हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ETF के बारे में जहां पर 10% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है, और ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आने वाले समय में तेज़ी आ सकती है। क्या कुछ फैक्टर हैं जो ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रहे हैं कि आने वाले समय में इस सेक्टर में क्यों तेज़ी हो सकती है, वो भी समझेंगे, और क्या इसमें स्विंग पर्पज़ के लिए भी पोजिशन बनाई जा सकती है वो सारा भी समझेंगे, और इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए भी समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिस ETF के बारे में हम बात कर रहे हैं वो देखिए ICICI प्रूडेंशियल की तरफ से आता है, जिसका कि नाम है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी ऑयल एंड गैस ETF, और इस ETF का प्राइस है ₹12.19। और देखिए बीते कुछ दिनों से यहाँ पर गिरावट चल रही है और अच्छी खासी गिरावट हुई है। एक महीने के चार्ट में देख सकते हैं काफ़ी गिरावट हो चुकी है, और एक साल के चार्ट में देखेंगे तो ये ETF खैर नया है और ये जुलाई में लिस्ट हुआ था, जुलाई की एंडिंग में, और कुछ टाइम पहले इस सेक्टर में एक हाई लगा था जो कि 2 सितंबर के आसपास 13.58 पर ये ETF गया था, और वहाँ से देखेंगे तो एक बड़ी गिरावट आ चुकी है इस ETF में। 10.24% की एक बड़ी गिरावट है इस ETF में, जो कि किसी भी ETF में या इंडेक्स में या सेक्टर में इतनी बड़ी गिरावट आती है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर एक निवेश का मौका होता है। तो यहाँ पर मतलब गिरावट तो अच्छी खासी है और निवेश का अच्छा मौका भी है। और यहाँ पर बात करनी ये भी ज़रूरी है कि इसके अंदर के जो स्टॉक्स हैं उनमें क्या कुछ चल रहा है। तो इनमें अगर आप इस ETF का अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, यानी इनका पोर्टफोलियो देखेंगे इस ETF का, तो यहाँ पर सबसे बड़ा वेटेज रिलायंस का है, जो कि रिलायंस काफ़ी करेक्ट हो चुका है। आप सभी लोग को पता है अभी के टाइम पे यहाँ पर 30% का बड़ा वेटेज है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, फिर ONGC 16% और BPCL 9%, IOCL 8%, गेल इंडिया यहाँ पर 8% से ऊपर, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन 5%, और ऑयल इंडिया 5%। तो ये जो ऊपर की कुछ टॉप कंपनीज़ हैं जिनका कि वेटेज ज़्यादा है, टॉप वेटेज वाली कंपनियाँ हैं, इनमें काफ़ी गिरावट है देख सकते हैं रिलायंस में। एक साल के चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर बड़ी गिरावट हो चुकी है, और जैसा कि पता है रिलायंस जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है बाय मार्केट कैप, और यहाँ पर एक बड़ी गिरावट है 15% की। तो अगर ऐसे स्टॉक नीचे जाते हैं तो डेफिनेटली कुछ समय बाद यहाँ पर रिकवरी आ ही जाती है, क्योंकि ये सभी दिग्गज स्टॉक हैं, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और फिर अगला स्टॉक ONGC, यहाँ भी अच्छी खासी गिरावट है, और देख सकते हैं यहाँ पर जो इसका हाई से देखेंगे तो 17% की एक बड़ी गिरावट है। और ऐसे ही BPCL भी देख सकते हैं, ये तो खैर काफ़ी लंबे समय से एक ही मतलब साइडवेज दिखा रहा है, तो यहाँ पर भी अच्छी खासी उछाल आने की संभावना है। IOCL भी थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट होता हुआ देखने को मिला है अपने ऊपरी स्तर से, और काफ़ी लंबे समय से ये भी अपने सपोर्ट के आसपास घूम रहा है, तो यहाँ से एक तेज़ी आने की उम्मीद है जैसे ही मार्केट में थोड़ा सा उछाल आता है। और फिर अगला स्टॉक ऑयल इंडिया लिमिटेड, यहाँ तो एक बड़ी गिरावट है देख सकते हैं, इसके जो कुछ टाइम पहले हाई लगा था वहाँ से देखेंगे तो ये स्टॉक बड़ी गिरावट दिखा रहा है 28% की। तो ये सारा कुछ देख के तो ये लग रहा है कि हाँ इसमें जो भी स्टॉक हैं काफ़ी बड़ी गिरावट शो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक निवेश का मौका है। अगर नज़रिया थोड़ा सा मतलब मीडियम से लॉन्ग टर्म अगर आपका व्यू है तो यहाँ पर आपको निवेश करने के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। और ये सेक्टर भी काफ़ी मतलब कि बीते कुछ समय से गिरावट शो कर रहा है, और अब यहाँ से इस ETF में तेज़ी आने की पूरी संभावना है। वो क्यों हम ऐसा कर रहे हैं वो भी चलिए हम बता दें, क्योंकि देखिए कुछ ही टाइम पहले महाराष्ट्र में जो है इलेक्शन अनाउंस हुए हैं, और मार्केट में कहीं ना कहीं कुछ टाइम पहले एक डर था कि महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले एक बड़ा पेट्रोल डीजल का प्राइस कट आ सकता है, पर अब वो नहीं आएगा क्योंकि देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ पर पेट्रोल डीजल के प्राइस का कट होगा वो देखने को नहीं मिलेगा, और यहाँ पर जो ब्रेंट और क्रूड ऑयल जो है उसका प्राइस भी गिर रहा है बीते कुछ समय से, तो इससे भी इन कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है आने वाले समय में। और इन केस ब्रेंट और क्रूड ऑयल में तेज़ी आ भी जाती है तो भी इन कंपनियों को ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये जितनी भी कंपनियाँ हैं इस सेक्टर में वो ज़्यादातर कंपनीज ऐसी हैं उनका खुद का यहाँ पर रिफाइनरी का बिजनेस है, तो वहाँ से भी इनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। और यहाँ पर कुल मिला के देखिए कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी स्टॉक है इस इंडेक्स में या इस ETF में वो वैल्यूएशन वाइज काफ़ी सही दिख रहे हैं, और वैल्यूएशन वाइज काफ़ी कंफर्ट है। और यहाँ पर इन कंपनीज की तरफ से जो कि इस ETF में आपको जो स्टॉक देखने को मिलते हैं इनमें से कई सारे स्टॉक ऐसे हैं जो कि डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा पे करते हैं, तो खैर अगर आप ETF में निवेश करेंगे तो आपको डायरेक्टली डिविडेंड नहीं मिलेगा, पर आपको प्राइस में रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो वो भी एक तरह से प्रॉफिट ही है।
और यहाँ पर ज़्यादातर जो स्टॉक है ना, वो जो हमने आपको बता ही दिया कि बहुत हद तक करेक्ट हो चुके हैं, मोस्टली 10 से 20% तक का करेक्शन है ज़्यादातर स्टॉक में, और उनका वेटेज भी काफ़ी बड़ा है। तो ये सारी चीज़ें देख के तो लगता है कि आने वाले समय पर यहाँ पर एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, और मार्केट में थोड़ी सी भी रिकवरी आती है तो आने वाले कुछ महीनों में, 1 से 2 महीने या पूरा ये अगला जो क्वार्टर होने वाला है यानी दिसंबर तक का समय, यहाँ पर आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। 10 से 20% की तेज़ी इजीली देखने को मिल सकती है अगर आपका मीडियम से लॉन्ग टर्म आपका व्यू है। बाकी शॉर्ट टर्म में अगर आपका स्विंग ट्रेडिंग पर्पस में अगर आप निवेश करना चाहते हैं कुछ दिनों के लिए, तो स्विंग ट्रेडिंग में हो सकता है आपको अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर यहाँ पर अगर आपका मीडियम से लॉन्ग टर्म व्यू है तो आपको यहाँ पर रिटर्न अच्छे मिल सकते हैं, तो आप यहाँ निवेश कर सकते हैं। और कोई भी ETF इतना गिर जाता है तो जाहिर सी बात है एक निवेश का मौका लेकर आता ही आता है। बाकी अगर आपका थोड़ा सा स्विंग पर्पस का व्यू है तो हो सके तो आप गिरावट के लिए पैसे जरूर रखिएगा, इनकेस यहाँ से और भी गिरावट आती है तो आपके पास एवरेजिंग का पैसा जरूर होना चाहिए। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको ये सेक्टर अच्छा नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको निवेश करने का एक अच्छा मौका मिल रहा है, आप निवेश कर सकते हैं। तो ये था एक अपडेटेड वीडियो। बाकी एक बार निवेश करने से पहले अपने तरफ से भी इस सेक्टर की अच्छे से एनालाइज कर लीजिएगा, उसके बाद ही निवेश करिएगा। तो बाकी आप यहाँ देख सकते हैं कंपनियों का जो वेटेज है और रिटर्न वगैरह भी आप यहाँ देख सकते हैं, जो निफ्टी ऑयल एंड गैस टोटल रिटर्न इंडेक्स है, यहाँ पर 15 कंपनियों का पोर्टफोलियो होता है और यहाँ पर बीते 1 साल का रिटर्न देख सकते हैं, काफ़ी शानदार रहा है, 66% का रिटर्न है, और बीते 5 साल का काफ़ी अच्छा CAGR रिटर्न रहा है 23% का। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं स्टॉक्स का जो तो हमने आपको दिखाई दिया है वेटेज वगैरह, और डिफरेंट सेक्टर से आप इस सेक्टर को यहाँ पर कंपेयर भी कर सकते हैं, जो कि ऑयल एंड गैस ने काफ़ी अच्छे रिटर्न निकाल के दिए हैं बीते 1 साल में। तो ये सारा अपडेट था जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।